मार्केटिंग एनालिटिक्स देखिए दो टर्म है यहाँ पे मार्केटिंग और एनालिटिक्स आप देख रहे हैं दो टर्म से मिलकर बना हुआ है तो मार्केटिंग क्या होता है पहले देखिए मार्केटिंग मतलब आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिफिनेशन पढ़ी होगी आइडेंटिफाइंग एंड सेटिसफाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली यानी कि जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं उसको उसकी वांट्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करना उसको पहचानना कि किस इंसान को क्या किस चीज़ की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना उसकी नीड को सेटिस्फाई करना प्रॉफिट अर्न करते हैं यानी कि उसके बदले उससे पैसे लेते हुए तो इसी को क्या कहते हैं मार्केटिंग कहते हैं मार्केटिंग में क्या हुआ कि हम लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के हम उनको डिलीवर करते हैं उसके बदले उनसे पैसे लेते हैं उनकी नीड सेटिस्फाई होती है और हमें प्रॉफिट होता है तो यही मार्केटिंग होती है अब इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे काम परफॉर्म करने पड़ते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है जिसको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं जैसे कि सेवन पी आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल प्रोसेस फिजिकल एविडेंस ये सब क्या है ये स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मिक्स तो मिक्स हम यही सब तो काम करते हैं प्रोडक्ट को बनाते हैं कैसा प्रोडक्ट बनाना है कब बनाना है कितना बनाना है प्राइसिंग क्या करनी है कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा प्रमोशन कैसे करना है पीपल यानी ह्यूमन रिसोर्स हमें कैसे रिक्रूट करने है प्रोसेस क्या होगा फिर ऑफलाइन हो तो कैसा होगा ऑनलाइन होगा तो क्या प्रोसेस होगा फिजिकल एविडेंस यानी कि बहुत बैनर्स लगा रहे हैं आप जो है ड्रेसिंग पहना रहे हैं तो फिजिकल एविडेंस के भी हमें अरेंजमेंट करती है सारी क्या है एक्टिविटीज़ हैं और इन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हम कस्टमर की नीड को ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो यही चीज मार्केटिंग कहलाती है वहीं पर एनालिटिक्स का मतलब

मार्केटिंग एनालिटिक्स होगी मार्केटिंग परफॉर्मेंस के डेटा को एनालाइज करना और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे जो बेसिसमेशन निकल के आती है उससे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना यानी कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना ही मार्केटिंग एनालिटिक्स कहलाता है तो आप कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इज प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस टू मैक्सिमाइज इट्स इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमाइज आर ओ आई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गया मार्केटिंग एनालिसिस कि ये प्रैक्टिस है जहाँ पे हम मेजर करते हैं मैनेज करते हैं और एनालाइज करते हैं अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को यानी कि हमारी अभी की मार्केटिंग परफॉर्मेंस कैसी है उसको मेजर करके उसको मैनेज करके एनालाइज करते हैं उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं यूज करते हैं कि अपनी इफेक्टिवनेस यानी कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस को और इफेक्टिव बना सके और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो यानी हमारे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको और ऑप्टिमाइज कर सकें इंप्रूव कर सकें तो ये क्या हो गया इज द स्टडी ऑफ डेटा गार्नर थ्रू मार्केटिंग कैंपेन तो मार्केटिंग एनालिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी मार्केटिंग कैंपेन हम कर रहे हैं उससे जो भी डेटा निकल के आता है उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो उसका डेटा कलेक्ट करके हम उसको स्टडी करते हैं और जब उसको स्टडी करते हैं फिर उसमें से जो इफॉर्मेशन निकल के आती है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है मार्केटिंग एनालिटिक्स कहलाता है मार्केटिंग एनालिसिस इन कंपेज टूल फॉर प्लानिंग मैनेजिंग एंड इवोलुएटिंग दीज एफर्ट्स अक्रॉस एवरी चैनल तो ये मार्केटिंग एनालिस में क्या होता है बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम प्लान करते हैं मैनेज करते हैं और इवोलुएट करते हैं अपने एफर्ट्स को जो भी हम डिफरेंट चैनल पर लगा रहे हैं और फिर उस एफर्ट को हम क्या करते हैं इवाल्यूट करने के बाद उस एफर्ट्स को हम और इंप्रूव करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया एमआईएस रिपोर्ट हो गया एमएस एक्चल हो गया फिर बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जिसका यूज करके हम अपने मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इवाल्यूएट कर सकते हैं क्लियर तो वही चीज मार्केटिंग एनालिटिक्स होती है तो बात कर लें एडवांटेज की तो एडवांटेज में आप देखेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सके पूरे मार्केटिंग चैनल का यानी कि आप मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर जो भी पर फॉर्मेंस हो रही है उसको जब आप इवालुएट करोगे तो एक कॉमन व्यू मिल जाएगा सभी आ, मार्केटिंग चैनल्स का जैसे कि पेपर क्लिक से पीपीसी जो एडवर्टीजमेंट होती है उससे हमें क्या इफेक्टिव हो रहा है ई मार्केटिंग से क्या हमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है ये नहीं हो रही है या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हम कर रहे हैं तो क्या उससे हमारे पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं अवेयरनेस फैल रही है नहीं हो रही है सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है नहीं ये ओवरऑल एक व्यू प्रोवाइड करता है आपके स्टेक होल्डर्स का एनालिटिक्स स्कैन क्लेरिफाई द बिग पिक्चर एज वेल एज डिक डाउन इनटू मोर ग्रेनुलर मार्केटिंग ट्रेंड यानी कि मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू भी दिखा देता है वहीं पे एक पर्टिकुलर किसी सिंगल पॉइंट को भी आपको जो है क्लियर uh, व्यू जो है उसका प्रोवाइड करता है क्लियर इंप्रूव लीड जनरेशन बाई प्रोवाइडिंग द इनसाइट्स नीडेड टू ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग एफर्ट एंड टारगेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स तो ये क्या है मार्केटिंग एनालिटिक्स आपको जो है लीड जनरेशन के लिए भी जो है इंप्रूव करता है लीड जनरेशन को जैसे लीड जनरेशन का मतलब क्या होगी कि नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करना जब आपको बताएगा कि यहां पे आपकी कोई कमी है तो आप क्या करोगे उस एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स को आप ऑप्टिमाइज करोगे वहां पे कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे जिससे कि आपका जो टारगेट है कंज्यूमर्स का वो अचीव हो सकेगा और प्रॉफिटेबल कस्टमर जो है आपके पास और ज्यादा से ज्यादा आएंगे प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस यानी कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है आपके और उनका प्रेफरेंसेस क्या है उसके बारे में आपको नॉलेज देता है और बिजनेस कैन देन टेलर देयर मार्केटिंग इनिशिएटिव टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर जब आपको आपके कस्टमर के बारे में पता रहेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है प्रेफरेंस कैसा है तब जो है आप उसके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं जिससे कि वो आप कस्टर सेटिस्फाइड कस्टमर आपका बन सके तो यह मार्केटिंग एनालिटिस उसके लिए इन्साइट प्रोवाइड करता है मार्केटिंग एनालिटिस इनेबल रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट एज वेल एस प्रो एक्टिव मैनेजमेंट तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का यूज करके आप जो है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जो भी आपके सामने मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट कर सकता है और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट यानी कि खतरा आने से पहले ही आपको जो है उस चीज के लिए मैनेज करने के लिए आपको जो है यहाँ पे डेटा मिल जाता है तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का ये एडवांटेज होता है वहीं पर डिसएडवांटेज भी होंगे कुछ ना कुछ बट ऑबिय बात है तो जैसे कि इनकरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट नीड्स जरूरी नहीं है कि आपने जो मार्केटिंग एनालिस है टूल्स है टूल्स में कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं जिससे कि आपकी मार्केट नीड्स की इनकरेक्ट आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं आप तो जब नीड को इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो बट कहां कर पाएंगे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा डेटा का आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लिया कहीं ना कहीं कोई वा? फॉर्म या फिर टूल में जो है कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से डेटा इंटरप्रेट हो गया अब भाई मार्केटिंग एल्टी में ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल होते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स ने कुछ गलती कर दी तो डेटा गलत आया डेटा गलत आया तो कहीं ना कहीं आपका जो है उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा आपके सिस्टम पर आपके परफॉर्मेंस पर इन अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन मेथड प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो गलत मेथड ही आपने यूज़ किया डेटा कलेक्ट करने का तो ये भी जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है और लास्ट में एक्सपेंसेज यानी कि एक्सपेंसेस बट ऑबवियस बात है मार्केटिंग एनालिस्ट्स है यहां पे टूल्स टेक्निक्स का यूज करेंगे सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे तो यहां पे आपको एक्सपेंस यानी पैसा खर्च करना भी इसके लिए पड़ता है चाहे वो सॉफ्टवेयर के लिए हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो जो सॉफ्टवेयर को चलाएगा तो ये मार्केटिंग एनालिस्ट के डिसएडवांटेज हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट डेटा सोर्स यानी कि ये जो मार्केटिंग एनालिटिक्स हम करेंगे जो एनालिसिस करेंगे डेटा का मार्केट का वो डेटा कलेक्ट कैसे होगा तो मार्केट डेटा सोर्स क्या होता है तो देखिए डेटा मतलब क्या होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं एज इट इज़ यानी कि जो चीज़ हमने देखी नोट कर लिया वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जब हम उस हे एनालिसिस करते हैं टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके तब वो इंफॉर्मेशन निकल के आता है तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं डेटा कहते हैं डेटा टू टाइप्स दो टाइप के डेटा होते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा आपने रिसर्च मेथोडोजी सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ा होगा तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा तो एक एक करके डिस्कस करते तो सबसे पहले है प्राइमरी डेटा देखिए प्राइमरी डेटा डेटा का मतलब आर कलेक्टेड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं या फिर आप खुद जाके मार्केट में कलेक्ट करते हो तो उस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं प्राइमरी डेटा प्राइमरी डेटा ऑरिजनल इन नेचर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू और प्रॉब्लम करंट डेटा तो प्राइमरी डेटा क्या होता है वो करंट डेटा होता है और डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके इशू से अब सपोज करें कि आपको जानना है कि आपकी कंपनी का कितना जो है कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंसेस है तो उसके लिए आप पर्सनली जाते हो कस्टमर्स के कस्टमर से जो है डेटा कलेक्ट करते हो तो वो क्या होगा वो प्राइमरी डेटा होगा वहीं पर किसी और ने डेटा कलेक्ट कर रखा था किसी और कंपनी ने ब्रांड ने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था और उसके डेटा के बेसिस पर आपने अपने आप अपने लिए एनालिसिस कर लिया तो वो क्या कहलाएगा वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा ऑन द अदर हैंड आर दोज एल्स एंड विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टेटिस्टिकल प्रोसेस तो प्राइमरी डेटा क्या हो गया प्राइमरी डेटा मीनस की वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है करंट डेटा होता है और आपसे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा होता है और आप, आप खुद उसके लिए पहली बार जाके मार्केट में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं क्लियर सेकेंडरी डेटा क्या हो गया सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड सेकेंडरी मतलब क्या हो गया सेकेंड हैंड जैसे कार परचेज करते हैं तो प्राइमरी मतलब कि आपने जब पहली बार नई नई कार परचेज की तो वो प्राइमरी कार हो गई वहीं पर आपने उस कार को बेच दी किसी और को तो उसके लिए क्या हो गई वो सेकेंड हैंड हो गई यानी कि आपसे वो प्राइमरी उसके लिए सेकेंड हो गई यानी उसने आपसे खरीदा उसने सीधे जाके शॉप से नहीं खरीदा उसने आपसे खरीदा तो उसके लिए क्या हो गई सेकेंड हैंड आप खुद जाके शॉप से खेल लेते तो वो प्राइमरी हो गई तो वैसे ही डेटा भी होता है डेटा में क्या होता है कि जब आपको कोई मार्केट डेटा कलेक्ट करना है आपको कोई एनालिसिस करना है तो आप खुद जाके मार्केट में डेटा कलेक्ट करके लेके आते हो तो वो आपके लिए प्राइमरी हो जाता है वहीं पे आपको कुछ एनालिसिस करना था लेकिन आप खुद मार्केट में डेटा कलेक्ट करने नहीं गए आपने किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा उठा लिया तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा क्लियर तो अब इसके बहुत बहुत टेक्निक होते हैं बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिसका यूज करके आप जो डेटा कलेक्ट कर सकते हो चाहे प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो तो प्राइमरी डेटा का कैसे होता है भाई आपको मार्केट में जाके खुद डेटा कलेक्ट करना है तो इसमें क्या हो गया ऑब्जर्वेशन आप मार्केट में जा सकते हो वहां पे कस्टमर्स के बिहेवियर को देख सकते हो अब वो स्ट्रक्चर भी होता है अनस्ट्रक्चर भी होता है स्ट्रक्चर आप एक पूरा पैटर्न आप डिसाइड करते हो कि डिससे कैसे कैसे होना है अनस्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चरमी आप मार्केट में चले गए जो भी डेटा मिल रहा है उसको एज इट इज लिख के लेके आगे और बाद में उस पर एनालिसिस कर रहे हो तो स्ट्रक्चर में प्लानिंग होती है अनस्ट्रक्चर में अनप्लान्ड होता है तो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को देख के ऑब्जर्व करके कस्टमर को जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो दूसरा तरीका है इंटरव्यू आप कस्टमर से इंटरव्यू लीजिए या स्टेक होल्डर्स जो भी स्टेक होल्डर्स है कस्टमर की बात नहीं हो रही यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो भी आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उनसे आप जो है पर्सनली इंटरव्यू लीजिए मिलकर चाहे टेलीफोन पर इंटरव्यू ले सकते हैं वहां से डेटा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सर्वे आप सर्वे कंडक्ट करवा सकते हो चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जो है आप जो है सर्वे कंडक्ट करा के आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आजकल मैक्सिमम पर्सन जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहता है और उस पर अपनी फीडबैक्स प्रोवाइड करता रहता है अपनी नीड वॉन्ट्स या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है वो बताता रहता है तो आप वहां से भी डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हो मॉनिटर करके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फेसबुक पर ट्विटर पर क्या कमेंट आ रहे हैं क्या रिएक्शन आ रहा है वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते सकते हो फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है जैसे वारंटी कार्ड जो कंपनीज प्रोवाइड करते हैं वहां से मकैनिकल डिवाइसेज का यूज करके आप पर्सनली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो तो सीसीटीवी कैमरा लगा के ऑब्जर्व कर सकते हो क्या ये मेरे कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है कितनी बार फ्रिक्वेंसी क्या है ऑडिट्स जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करके जो है वहां से भी प्राइवेट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्लियर और वहीं पे अब बात कर ले सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने की तो सेकेंडरी डेटा के डिफरेंट सोर्स जैसे यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा मीस की कंपनी के रिकॉर्ड्स यानी हमारी कंपनी में खुद के रिकॉर्ड्स कुछ अवेलेबल

एसोसिएशन जैसे कि एडवर्टाइजिंग एज है ये जो है डेटा पब्लिश करती रहती हैं तो इनका डेटा आपने यूज कर लिया बुक्स और मैगजींस से उठा लिया आपने कंटेंट जर्नल्स से आपने उठा लिया न्यूज़पेपर से आपने डेटा ले लिया या फिर वेबसाइट्स बहुत सारे डेटा पब्लिश करती है उनसे जो है डेटा लिया है क्या हो गया ये सेकेंडरी डेटा के सोर्स हो गए तो मार्केटिंग एनालिटिक्स करने के लिए मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जब आप एनालिसिस करते हो डेटा का तो उस डेटा को आप इन तरीकों से ले सकते हो चाहे वो प्राइमरी डेटा यानी कि खुद आपने कलेक्ट किया हो चाहे वो सेकेंडरी डेटा यानी कि किसी ऑन कलेक्ट किया था उससे डेटा आपने ले लिया तो दोनों तरीके से आप जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसके लिए मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए विश ऑल द बेस्ट दीप वॉचिंग